नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए, बुद्धि को कुशाग्र और तीव्र करने के लिए भगवान शिव पर किस पदार्थ से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद की संगीता रुद्राष्टाध्याय, जिसमें लगभग 200 वेद मंत्रों का संकलन है, वहाँ पर इस बात का प्रमाण मिलता है कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस पदार्थ से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा बुद्धि को तीव्र करने के लिए। तो आज की हमारी वीडियो विशेष रूप से व्यापारी भाइयों के लिए, स्टूडेंट लोगों के लिए, कलाकार लोगों के लिए है। वैसे तो सभी वर्ग के लोग इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, श्रावण मास साल 2022 का प्रथम सोमवार 18 तारीख को है, 18 जुलाई को, और प्रथम सोमवार पर यदि आप भगवान शिव पर, शिवलिंग पर दूध में शर्करा मिश्रित करके 2 या 2.5 लीटर दूध जितना भी आप लें उसमें थोड़ी शर्करा मिला करके उससे रुद्राभिषेक करें या विधि पूर्वक कराएं, तो इससे बुद्धि तीव्र होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। साथियों, उत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए यह एक सर्वोत्तम उपाय है। उत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए श्री गणेश जी की आराधना या गणेश जी पर दूर्वा घास चढ़ाना भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो 18 तारीख को आप भगवान शिवलिंग पर रुद्राभिषेक अवश्य करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धन प्राप्ति के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को किस वस्तु से रुद्राभिषेक करना चाहिए। नमस्कार।